इस वक्त जो हालात दरपेश हैं और मुल्क जिन हालात से गुज़र रहा है और जिन मसाइब और आफात का सामना है, उसके हवाले से अवामुन्नास के अंदर मुख्तलिफ बातें गर्दिश कर रही हैं। लोग इसकी मुख्तलिफ तौजीहात, तशरीहात और अपने अपने ज़ौक और मिजाज के मुताबिक तजज़िये और तबसरे कर रहे हैं। कोई इसे अजाब कहता है, कोई इसे आजमाइश कह रहा है, कोई आमाल की सज़ा करार दे रहा है, तो कोई महज एक कुदरती आफत और हमारी नाअहली करार दे रहा है। तो लोगों की मुख्तलिफ बातें, मुख्तलिफ तजज़िये, तो कोशिश करते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में कि इन हालात की हकीकत क्या है, हालात क्यों पेश आते हैं, और उसके लिए मेरे और आपके लिए राह अमल क्या होती है या होनी चाहिए। तो उसमें एक नुक्ता समझने वाला तो ये है कि वाक़ियात की बुनियाद पर जो तजज़िये या तबसरे होते हैं वो दो तरह के होते हैं। बाज़ मादी तबसरे और तजज़ियों के कायल होते हैं, जबकि बाज़ रूहानी तजज़िये और तबसरे को अपने सामने रखते हैं। अब मादी तजज़िया क्या है कि बस जी वो डैम नहीं बना हुआ था, बारिशें तो होती हैं, पानी ज़्यादा हो गया, सैलाब आ गया, हमारी कुछ नाअहली है, हमारी कुछ मिस मैनेजमेंट है, जो भी कह लें, तो इन असबाब की तरफ मामले का रुख मोड़ा जाता है। ना तो ये कहा जाए कि ये अल्लाह का इसमें कोई अमल दखल है या नहीं, या अल्लाह की तरफ से कोई अजाब या पकड़ वाली कैफियत है या नहीं, हमारी और आपकी शामत आमाल है कि नहीं, बस जी पानी आया, सैलाब आ गया, बारिशें ज़्यादा हो गईं, हमारे पास इंतज़ाम नहीं थे, पानी अपने आपे से बाहर हो गया और यह नुकसान हो गया। ये मादी तजज़िया है और इसके मुकाबले में एक रूहानी तजज़िया भी है। अब रूहानी तजज़िया तो बड़ा वाज़े है कि ये अल्लाह के अमर और इरादे से है कि एक पत्ता अल्लाह के हुक्म के बग़ैर शाख से नहीं गिरता, तो इतने बड़े बड़े पानियों के सैलाब अपनी मर्ज़ी से नहीं आ सकते। तो लिहाजा अब रूहानी तजज़िया क्या है कि इसके पीछे अल्लाह है, अल्लाह का अमर, अल्लाह का इरादा है। अब उसकी बुनियाद पर फिर दो चीज़ें समझने वाली हैं। एक मकाम पे अल्लाह फरमाते हैं मा असाबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है अल्लाह के हुक्म से आती है। कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, हमें हरगिज़ कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचती मगर वही जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दी है। तो गोया बराह रास इसमें अल्लाह तबारक व ताला का अमर और इरादा। अब एक दूसरा पहलू कुरान में अल्लाह फरमाते हैं मा असाबा मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अईदीकुम, कि जो भी तुम पर मुसीबत आई वो तुम्हारे हाथों की कमाई की वजह से आई। जो भी हालात आए बिमा कसबत आई दिन नास, लोगों के अपने हाथों की कमाई थी। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक है मुसाइब आलाम का आना अल्लाह तबारक व ताला के अमर और इरादे से, और एक है मुसाइब और आलाम का आना मेरी और आपकी शामत आमाल की वजह से। तो लिहाजा अब तजज़िया थोड़ा अगर हम इसकी बुनियाद में जाएं तो फिर हमें यह समझना चाहिए कि सबसे पहली बात तो ये कि जो हालात आए हैं ये अल्लाह की तरफ से आए हैं। मादियत यहाँ पर अपना कोई वजूद नहीं मनवा सकती, समझा सकती, क्यों कि हमारा अकीदा और ईमान ये है
वमा तस्कुतु मिन वरकतिन इल्ला यालमुहा, एक पत्ता भी अल्लाह के इलम के बगैर नहीं गिर सकता। यह हमारा अकीदा और ईमान है। लिहाजा जो भी हालात आए वो अल्लाह की तरफ से आए। अब दुनियावी एतबार से वो तो अल्लाह का अमर था, क्योंकि दुनिया तो आलम असबाब, ये कायनात, ये आलम खल्क, ये असबाब के तहत चल रहा है। तो यहाँ पर जो भी होता है वो असबाब के दर्जे में होता है। अब उसमें सबब क्या बना? मेरे और आपके आमाल, कि हमारी बदामालियाँ जिनकी वजह से अल्लाह का अमर आया और हम पर ये हालात आ गए। तो एक बात तो यहाँ तक हम समझ लें कि जो भी हालात आए हैं ये अल्लाह के हुक्म, अल्लाह के अमर, अल्लाह के इरादे से आए हैं। और दूसरी वजह क्यों आए हैं, मेरी और आपकी शामत आमाल की वजह से आए हैं, ये तो एक बात। अब इसके बाद दूसरा नुक्ता कि ये हालात अब आ तो गए, आने वाला, भेजने वाला, बात वाज़ हो गई, आते क्यों हैं, इसके पीछे असबाब और महर्रिकात और वजूहात क्या बनती हैं, क्यों इंसानों के ऊपर इस किस्म के आलात आ जाते हैं, तो इसकी भी बात बड़ी वाज़े है। एक तो नुक्ता हमने समझ लिया कि मेरी और आपके जो आमाल उसकी बुनियाद पर अल्लाह की तरफ से फ़ैसले हैं, वगरना कोई इन मामलात में बैती लाशों को देख कर, डूबते घरों को देख कर, जानवरों के रेलों के रेले पानियों में बहते हुए देखकर कोई ये नहीं कह सकता नाउज़ुबिल्ला नकले कुफर कुफर न बाशित कि अल्लाह ने जुल्म किया। क्यों? अल्लाह तो कुरान में ही फरमा रहा है इन्नल्लाह ला यज़लिमुन्नास, अल्लाह ताला लोगों पर जुल्म नहीं करता। वमा कानल्लाहु लियज़लिमहुम, अल्लाह ऐसा नहीं है कि वह जुल्म करे। वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन होता क्या है, लोग खुद अपने जानों पर जुल्म करते हैं। एक आदमी को पता भी है कि मस्जिद से निकल के बाएं हाथ पे गया, तीन चार कुत्ते हैं और वो काट खाने वाले कुत्ते हैं, लिहाजा चाहिए कि यहाँ से गुजर जाए, फिर भी जानबूझकर वहाँ से गुजरेगा तो ला महाला कुत्ते तो खाएंगे। फिर बाद में अगर वो ये कहता फिरे कि चलो जी अल्लाह की मर्ज़ी, तो ठीक है मर्ज़ी तो अल्लाह की थी, लेकिन तुझे भी अल्लाह ने अकलो शऊर दिया था। वो एक किसी घर में शहतीर वो लटकना शुरू हुआ, घर वाले मौजूद, तो लोगों ने कहा उस मालिक को कि अल्लाह के बंदे इसका इलाज कर, कहीं ऐसा ना हो कि शहतीर टूटे और तेरी औलाद, तेरे बच्चे दबकर मर जाएं। हाँ जी करता हूँ, देखता हूँ हो जाएगा, कर लेंगे, देखता हूँ हो जाएगा। वक़्त गुजरता गया, लोग समझाते गए कर लेंगे हो जाएगा। क्यों? हम लोग सुस्त भी बहुत हैं अपने तौर पर। हम लोगों में सुस्ती और गफलत कितनी है वो हर एक को पता होगा कि एक छोटा सा काम घर में होता है, महीनों गुजर जाते हैं वो काम नहीं हो पाता। एक बटन टूट गया, पूरा हफ्ता पूरा महीना गुजर गया, आज करते हैं कल करते हैं, बटन वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। कोई होल्डर टूट गया, साल गुजर गया, वहीं पे टूटा हुआ पड़ा है। दो पेज लगने हैं। हमारी तबीयतों के अंदर भी क्या है, सुस्ती है, गफलत है, जिसकी वजह से हम लोग परेशान होते हैं। फिर होता क्या है कि एक वक्त आया वो शातिर गिर गया और बच्चे मर गए, लोग ताज़ियत के लिए गए तो कहने लगा जी अल्लाह की मर्ज़ी। क्या कहने लगा? अल्लाह की मर्ज़ी। कोई शक नहीं मर्ज़ी अल्लाह की थी, लेकिन एक सबब के दर्जे में तुझे भी, तेरे ज़िम्मे भी तो कुछ काम था ना, कि हम भी कुछ करते, गोया कि कुछ ज़िम्मेदारियाँ हमारी भी हैं कि हम उन ज़िम्मेदारियों का एहसास करें। हम घर बनाते हैं तो सोचते हैं कि धूप के लिए मामला कैसा हो, हवा के लिए हम क्या इंतज़ाम करें, खुदा न खास्ता गैस की लीकेज होती है और घर में गैस भर जाती है, वो पूरा एक धमाका बनता है, तो मैं घर बनाते वक्त उसमें कैसा असबाब मुहैया कर दूँ कि अगर खुदा न खास्ता गैस खुली रह भी जाए तो मौत और हलाकत का बायस। यानी हम क्या करते हैं, आने वाले एहतमालात की बुनियाद पर आज इंतजामात करते हैं कि कुछ भी हो सकता है, लिहाजा सारे। तो कहा कुछ ज़िम्मेदारियाँ हमारी भी हैं। अगर हम बात थोड़ी ऊपर लेकर जाएं तो ये चूँकि मुल्की और मिल्ली सतह का मसला है, तो ज़िम्मेदारियाँ हुक्मरानों की भी थी, उन लोगों की भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ थी जिन्होंने पूरी करनी थी, लेकिन वही बात आज कर लेंगे कल कर लेंगे। जब आ गया कालाबाग डैम, बनाओ भाई नहीं बनाते, सिंध वाले कहते हम डूब जाएंगे, बलूचिस्तान वाले कहते हम मर जाएंगे, नहीं बनाते। बड़ी कोशिश की, नहीं बनाने दिया, क्या हुआ, अगर डैम बना होता तो शायद इतना नुकसान ना होता जितना आज हो गया, लेकिन क्या है जी हमने नहीं बनने देना। उसके बावजूद भी अल्लाह ने सबको डुबोया कि नहीं डुबोया, डूब गए ना। वजह क्या कि हम लोग शऊर से खाली हैं, हमें कल की प्लानिंग का पता नहीं होता, हम अपने सारे मामलात आज और आज के माहौल को देखकर करते हैं। हमें यह अंदाज़ा नहीं होता अगर अभी धूप है तो घंटे बाद बारिश भी तो आ सकती है, तो क्या मेरे हाथ में छतरी नहीं होनी चाहिए। अगर बादल उमड़ आए हैं
और स्याह बादल गर्दिश कर रहे हैं, मैं घर से निकल के सफर पे जाना चाहता हूँ, तो मौसम देखकर मुझे अंदाजा होना चाहिए। घर वाले कहते हैं भाई छतरी ले लो, और छोड़ेंगी कौन बोझ उठाएगा, नहीं होगी, देखा जाएगा। आधे रास्ते में पहुंचा, धड़ाधड़ बारिश शुरू, सारे कपड़े भीग गए, अब खड़ा है किसी शेड के नीचे और थर थर कांप रहा है। कहा था ना पहले ही के लेके आ जा। तो असबाब के दर्जे में हमें अपने इंतजाम करने चाहिए। जब नहीं करते, जब आफत आ जाती है, फिर हम क्या करते, बस जी ये तो अल्लाह का अमर था। गोया कि हम लोग इतने सुस्त हैं कि अल्लाह पे डाल देते हैं, चलो अपनी जान के तकदीर का बहाना बना के अपनी जान हम क्या कर लेते हैं, छुड़ा लेते हैं। तो ये बात ठीक नहीं है। ये दुनिया आलम असबाब है, कल क्या होगा ना मुझे पता ना आपको पता, लेकिन इस बात की हम पाबंद हैं कि आने वाले हालात की बुनियाद पर आज इंतजाम करके रखें, कहीं ऐसा ना हो कि फिर कल हमें भी तकदीर का बहाना करना पड़ जाए। चलें अगर अपने इंतजाम पूरे किए फिर भी आफत आई, दुख तो नहीं होगा ना, अफसोस तो नहीं होगा ना कि भाई छतरी ले आता तो कितना अच्छा था, मोबाइल के साथ अनास हो गया, पानी कीचड़ आया था, आईफोन नया लिया हुआ था जेब में डाला हुआ, जाते जाते फिसला, पाँव गिर गया, कड़ल की आवाज़ आई। अब इसके दिल में दुआ होती है काश हड्डी टूटी हो, ये हड्डी की आवाज़ हो, क्योंकि मोबाइल तो बड़ा महंगा लिया है मैंने। तो इंतजाम पहले करने होते हैं ना, तो अफसोस फिर नहीं होता, लेकिन इंतजाम ना करें फिर अफसोस भी, गम तो आ ही गया, हसरत और अफसोस भी होती है। तो बार कैब हमें इन असबाब और इन हालात के एतबार से अपने मामलात को बड़े आसान तरीके से निभाना चाहिए। अल्लाह ने इलम भी दिया है, अल्लाह ने शऊर भी दिया है, बाकी जिन हालात में आना है वो आके रहेंगे, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, मेरी और आपकी कोई ताकत नहीं होती। लेकिन फिर जब इस तरह के हालात आते हैं तो फिर हम तकदीर के बहाने बनाते हैं। तो बार कैब ये दूसरी बात मुकम्मल होती है कि हमें आने वाले हालात के पेश नज़र आज अपनी बसात के मुताबिक इंतजाम करने चाहिए। सुस्ती गफलत पहलू तही नहीं करनी चाहिए। क्यों, अगर हमने आज अल्हम्दुलिल्लाह हम एटमी ताकत हैं, पूरी दुनिया ने रोका मना किया, आलमी ताकतें रुकावट बनी, उन सब की मुखालफत के बावजूद अगर हमने एटम बम बना लिया था तो फकत सिंध और बलोचिस्तान वालों की मुखालफत के बावजूद डैम क्यों नहीं बनाया हमने, बना लेना चाहिए था ना। अगर पूरी दुनिया से टक्कर लेकर एटम बन सकता है तो अपने खित्ते के लोगों को समझाकर डैम नहीं बन सकता, लेकिन तरजीहात का फ़र्क। लिहाजा फिर होता क्या है, जब ऐसे हालात आ जाते हैं तो फिर बाज़ चेहरे सामने आ जाते हैं, ना एहलियाँ सामने आ जाती हैं। एक बुज़ुर्ग जा रहे थे और एक जुमला कहते जा रहे थे, जो अल्लाह चाहे सो हो, जो अल्लाह चाहे सो हो, यानी जो अल्लाह चाहेगा वो हो के रहेगा। एक नौजवान को जब ये बात कानों में पड़ी, शरारती था, पत्थर लिया और पीछे से उसके सर पे दे मारा, उसने पीछे मुड़ के देखा तो नौजवान ने कहा पीछे क्या देखता है, जो अल्लाह चाहे सो हो, अल्लाह ने चाहा तो हो गया। तो उसने बड़ा अजीब जवाब दिया बुज़ुर्ग ने आगे से, उसने कहा वाकई कोई शक नहीं, अल्लाह की चाहत थी, इस चीज़ ने होना था, पीछे मुड़ के मैंने ये देखा कि इसमें मुँह किसका काला हुआ है, इसमें मुंह किसका काला हुआ, वो देख रहा था। तब क्या हुआ, जो होना था सो हो गया, हुक्मरानों के मुंह काले हो गए, खास सूबाई कुमते हो, खैर वफाकी कुमते हो, खा हमारे हुक्मरान हो, क्या हुआ, उन सब की नाअली सामने आ गई, सब के मुंह काले हो गए। अवाम के लिए, एक शऊर के लिए, बेदारी के लिए अल्लाह ने सामान मुहैया किया कि ये हैं तुम्हारे हुक्मरान, ये हैं तुम्हारे वो लोग के जो जिनको तुम अपना लीडर करार देते हो, जिनको तुम अपना बड़ा समझते हो, उनकी नाअलियाँ देख लो। अब बाद में फिर होता क्या है, एक घंटे में पता नहीं कितने अरब रुपए जमा हो गए, दूसरा कहता है मैंने डेढ़ मिनट में इतने अरब जमा कर लिए। ओ अल्लाह के बंदो, बदबख्त हो, अगर तुम एक मिनट और एक घंटे में इतने अरबों रुपये जमा कर सकते हो तो IMF के सामने फिर किस चीज़ की भीख मांगने जाते हो। अगर एक घंटे में तुमने अरबों रुपए जमा किए तो 3.5 सालों में क्यों भिखारी बन के IMF के सामने घुटने टेकते रहे। तो ये नाअहलियाँ हैं और इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। अल्लाह ने अकल व शऊर दिया है, उसको इस्तेमाल में लाओ ताकि तुम्हें समझ आए कि तुमने अब अपनी राह अमल को किस बुनियाद पर मुतय्यन करना है। और कम अज़ कम हमारे गुरबा, फिर एक और चीज़ चलें गुरबा के लफ्ज़ से सामने आ गई कि देखें बिलफर तुम कहते हो ये अजाब है, वहाँ तो गरीब मारा गया, कच्चे मकान गिर गए, गरीब जो पहले से फकर फाका शका शिकार थे, अगर अजाब ने आना होता जरदारी पे आता,
बिलावल के ऊपर आता, इमरान खान पे आता, नवाज शरीफ पे आता, एक्स वाई जेड फलां फलां बड़े बड़े लोग उन पे आते ना, ये गरीबों पे अजाब क्यों आए? तो बात यह है कि बात अमीर और गरीब की नहीं होती। देखें अब अजाब का पहलू मेरी और आपकी निगाहों में है, उनकी लाशें, उनका बेघर होना, उनके फकर व फाके, उनकी आहें सिसकियाँ, उनका रोना, घरों के गिरते मामलात को देखकर तड़पना, उनकी नींदों का उड़ जाना, बेआसरा हो जाना, ये मेरी और आपकी ज़ाहरी निगाह है। लेकिन अगर इसके पीछे देखें कितनी बड़ी खैर पोशीदा है कि अल्लाह ने सबकी बख्शिश फरमा दी, सबको अल्लाह ने जन्नत में भेज दिया। दुनिया का ये पांच मरले का कच्चा मकान गिराकर अगर जन्नत का महल मिल जाता है तो सौदा महंगा है। वो तो देखें मामलात अपनी जगह हैं। तो ये तो अल्लाह ने गरीबों पे रहम किया कि दुनिया तुम्हारे लिए खामखा जहन्नुम बनी हुई थी, चलो इससे जान छुड़ाओ, आखिरत की जहन्नुम से तुमको बचा लेता हूँ और तुम जन्नत के अंदर आ जाओ, जन्नत के महल्लात तुम्हारे मुंतजिर हैं। तो इसके अंदर भी क्या है कि ज़ाहरी तौर पर तो हमें समझ आया कि यह तो अजाब है। वो देखो लाशें, वो बच्चों की लाशें, वो औरतों की लाशें, वो लोग बेघर, न जाने क्या कुछ, लेकिन इसके पीछे खैर कितनी है। हदीस है, अल्लाह ने हुक्म दिया मलकुल मौत को कि फलां के लख्ते जिगर की रूह कबज करके ले आओ, वो रूह कबज करके ले आया। जिब्रील मलकुल मौत से अल्लाह ने फरमाया हाँ जी सुनाओ, उसकी रूह कबज कर ली। वो तो उसका लाडला था, चहीता था, लख्ते जिगर था, उसके जिगर का टुकड़ा था। जब तूने रूह कबज की तो उसने क्या कहा? उस फरिश्ते ने जवाब दिया, उसने कहा मेरे अल्लाह की मर्जी, जैसे मेरा अल्लाह चाहे। तो अल्लाह ने फरमाया अच्छा, उसने यही कहा? कहाँ यही कहा? फरमाया जाओ उसके लिए जन्नत में महल तैयार कर दो। तो बज़ाहिर दुनियावी एतबार से ये मसाइब और आलाम ये परेशान होने की चीज़ें नहीं है। ठीक है इंसान है फितरतन कमज़ोर, खुलिकल इंसान ज़ईफ़ा, कमज़ोर है, लेकिन इसके पीछे जो अल्लाह ने उसके लिए खैरें रखी हुई हैं, कभी उनको सोचें, कभी उनके बारे में गौर करें। बेटा दुनिया में कितना अरसा रहता, मेरे ये घर कितना अरसा रहते, घरों के मकीन कितना अरसा रहते, मरना तो था। लोग एतराज़ करते हैं कुर्बानी के अयाम में कि हज़ारों जानवरों को तुम मौत के घाट उतार देते हो, उन्हें ज़िबा करके मार देते हो। तो ठीक है, और जो इसके भी जवाबात उलमा ने दिए, एक बड़ी प्यारी बात यह की जाती है कि देखो हर नफ्स ने मरना है, उन जानवरों ने भी मरना है, लेकिन मौत दो तरह की है, एक मौत वो जो कुर्बानी की वजह से आती है और एक मौत वो जो किसी बीमारी की वजह से आती है। अब पूछो उस जानवर से कि उसके लिए अजियतनाक मौत कौन सी है। मरना तो बरहक है, लेकिन एक सेकंड में छुरी जब चलती है फौरन रूह निकल जाती है, तकलीफ कम हो जाती है। इसके मुकाबले में अगर उसको जिंदा छोड़कर जंगल में भेज दिया जाए, वो जख्मी होगा, जख्म का चूर चूर, फिर उसमें कीड़े पड़ सकते हैं, फिर सोचें वो रोज जिएगा रोज मरेगा। तो मुश्किल मौत से अल्लाह ने उसके लिए आसानी कर दी। मौत तो थी, या तो होना कि हम मौत से बच जाएंगे, मौत से राय फरार इख्तियार कर लेंगे, फिर तो ठीक है, बात समझ में आती है। जब मौत से फरार नहीं है, मरना मुकद्दर है, तो फिर क्यों ना ऐसी मौत मांगी जाए कि जिसकी बुनियाद पर अबदुल आबाद की जिंदगी मिल जाए। असल तो वो है ना जिंदगी, ये कोई जिंदगी है जो हम गुजार रहे हैं? कभी महंगाई के बम गिरते हैं, कभी हालात की खराबियां आती हैं, कभी रिश्तेदारों में फूट पड़ती है, कभी घरेलू झगड़े नाचाकियां हैं, कहीं पर वालिद औलाद की वजह से परेशान, कहीं औलाद अपने वालदैन से तंग, भाई भाई का दुश्मन बन बैठा, आज किसी की इज्जत महफूज नहीं, आबरू महफूज नहीं। तो वजह क्या है? वजह सिर्फ यही है कि ये दुनिया है, यह मसाइब व आलाम का घर है, लिहाजा इसमें आफियत से अल्लाह की मान कर चलो, वक़्त गुजारो, ताकि आने वाली जो ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होगी वो तो कम अज़ कम राहत का सामान बन जाए। वगरना अगर आप मसाइब व आलाम की बात करते हैं तो दुनिया में सबसे ज़्यादा मसाइब व आलाम आते हैं अम्बिया के ऊपर, जो अल्लाह के महबूब तरीन बंदे हैं। फिर अम्बिया में से भी इमामुल अम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक ताइफ के मौके पर आने वाली मुशक्कत इतनी भारी थी कि सब अम्बिया की मुशक्कतें जमा कर लें तो यह मुशक्कत भारी है। किसकी? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये कौन है? अल्लाह के महबूब हैं। तो गोया अल्लाह की सुन्नत क्या है कि अल्लाह अपनों को आजमाता है, अल्लाह चाहता है मैं दर्जे बुलंद करूं, लिहाजा कानून फितरत यही है कि फिर अल्लाह उनको आजमाइश में डालकर
इम्तिहान में मुबतला करके अगर वो शुक्र गुजार बन जाते हैं, वो शिकवे शिकायत नहीं करते, तो उसकी बुनियाद पे अल्लाह उन्हें कितना नवाजेंगे। एक आदमी जन्नत में पहुंचा, जन्नत के इनामात को देखा, जन्नत के महल्लात को देखा, वहाँ की सारी चीज़ों को देखा, तो वो बड़ा हैरान परेशान, रब्बा इतने बड़े बड़े अमाल तो मैंने नहीं किए, इतनी बड़ी नेकियाँ तो मैंने नहीं की, ये बड़े बड़े अजर कहाँ से मिल गए। तो अल्लाह फरमाएगा तुझे दुनिया में कांटा चुभा था, तूने सब्र किया, शुक्र किया, ये उसका इनाम है। हदीस में आता है वो कहेगा काश दुनिया में मुझे लोहे की कैंची के साथ एक एक करके कुतर दिया जाता कि एक कांटे पर इतना इनाम मिला, तो पूरे वजूद को अगर काटा जाता, कीमा बनाया जाता, कितना बड़ा इनाम मिल जाता। तो मोमिन का तो हर मामला ही खैर वाला है। दोबारा कह, ये हालात इनसे घबराना नहीं है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि जो चले गए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये अकीदा है कि वो जन्नत में पहुंच गए, कि पानी में डूब कर वफात पाने वालों को डबल शहादत का सवाब मिलता है, अल्लाह कबूल फरमाए।